एक तरफ इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में हूती की दबंग गई अब एक और युद्ध में तब्दील होती दिख रही है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर कई हवाई हमले तो किए थे, लेकिन ये सभी हमले बेअसर रहे। उल्टा अब हूती पूरी ताकत से पश्चिमी देशों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में यमन के आतंकी संगठन हूती ने इसराइल के उम अल रशरश यानी ईलत शहर में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले का दावा किया है। इसके साथ ही हूती ने एडन की खाड़ी में ब्रिटेन के आइलैंडर शिप पर कई मिसाइलों से एक साथ हमला कर दिया और नतीजा ये निकला कि इन हमलों में जहाज में आग लग गई। एक तरफ जहां ब्रिटेन के इस जहाज पर हूती हमला कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर युद्धपोत पर भी हूती ने अपने खतरनाक ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया। हालांकि इन हमलों से कितना नुकसान हुआ इसकी अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं आई है। लेकिन हूती के प्रवक्ता याया सारी ने इन हमलों को लेकर एक बयान जरूर जारी किया है, जिसमें उन्होंने इन तीनों ही हमलों की पुष्टि कर दी है। انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا قامت القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية على النحو التالي: الأولى أطلقت من خلالها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، فيما العملية الثانية في خليج عدن حيث نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة بريطانية آيلاندرا في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى نشوب الحريق فيها بفضل الله. वहीं हूती के नेता अब्दुल अल हूती का कहना है कि उसने लाल सागर और समुद्र में अन्य जगहों पर अब पनडुब्बी हथियारों से हमले तेज कर दिए हैं। نحن اتجهنا في جبهة اليمن كما تحدثنا في الأسبوع الماضي إلى التصعيد في العمليات. بمعنى العدو يتجه إلى التصعيد أكثر في قطاع غزة ويستمر ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بكل وسائلها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، فنحن نستمر في عملياتنا ونتجه إلى التصعيد. العمليات التي تستهدف الأعداء إسنادا لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم بالقصف على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة، قد بلغت العمليات في ذلك بعدد 183 صاروخ وطائرة مسيرة. والمسار الآخر المساند لغزة هو العمليات في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ومضيق باب المندب. العمليات أيضا مستمرة ونتجه فيها أيضا إلى التصعيد. اتجهنا فيها إلى التصعيد كما ونوعا أيضا. يتم تفعيل الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب العسكرية، وتم أيضا إدخال سلاح الغواصات وهو مقلق للعدو، وبلغت السفن المستهدفة في البحر إلى 48 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، 48 سفينة تم استهدافها، هذا عدد مهم جدا يعني. वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में ब्रिटेन के जिस जहाज पर हूती के हमले से आग लग गई थी वो थाईलैंड से मिस्र की तरफ जा रहा था और इस जहाज का मालिकाना हक लाइबेरिया के किसी कारोबारी के पास है। इसके अलावा हूती ने इसराइल के जिस ईलत शहर पर हमले की बात कही है उसको लेकर इसराइल का कहना है कि उसने 22 फरवरी 2024 को इस हमले को इंटरसेप्ट कर लिया था। इसराइल का कहना है कि ये मिसाइल इसराइल के हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही चिन्हित कर ली गई थी। इस मिसाइल को एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया था। हालांकि इसराइली सेना का ये भी कहना है कि इस मिसाइल को किसने फायर किया और कहां से आई इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था
वो एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जो हवा में अपने टारगेट को तबाह कर सकती थी और फायर होने के बाद इस मिसाइल को लाल सागर इलाके में इंटरसेप्ट कर लिया गया था जो इसराइल की तरफ बढ़ रही थी। आपको बता दें कि इसराइल का इलत शहर लाल सागर में एक प्रमुख बंदरगाह शहर है और हूती इसे फिलिस्तीनियों से कब्जाया हुआ बताता है और इससे पहले भी 31 अक्टूबर 2023 को हूती ने इस शहर पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा किया था। हालांकि इस हमले में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने 21 फरवरी 2024 को लाल सागर में हूती द्वारा दागे गए एक बम से लदे ड्रोन को मार गिराया था। साथ ही एक अलग हमले में हूती की 7 मोबाइल एंटीशिप क्रूज मिसाइलों और एक मोबाइल एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया था जो लाल सागर में एक जहाज पर हमले की तैयारी में थी।